नमस्कार, प्रदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने में 4 दिन बाकी हैं। भाजपा ने बुधवार को संकल्प पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे विकास का रोडमैप बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मलहरा, अनूपपुर और सांची में पूर्व सीएम उमा भारती के साथ संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि अभी तो विकास का ट्रेलर दिखाया है, चुनाव बाद पूरी फिल्म दिखाएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सभा करने के साथ ही संकल्प पत्र जारी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर में अपनी सरकार में मंत्री बिसाहूलाल सिंह का एहसान मानते हुए कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। इतने मैच्योर सीनियर और 5 बार के विधायक बिसाहूलाल सिंह ने उनसे कहा था कि सरकार को हटाना है और इस्तीफा देकर बाहर आ गए। शिवराज ने कहा कि इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही इन्होंने कभी कुछ मांगा। शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर विधानसभा के खूंटा टोला में मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं मुख्यमंत्री हूं तो इसमें बिसाहूलाल सिंह का बड़ा योगदान है। 3 नवंबर को प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान के चंद दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन जारी किया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में कार्यकर्ताओं से पार्टी के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ काम करने की अपील की है। सभी मेरे साथी और कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने पिछले हफ्तों में, पिछले दिनों में जो जनता तक कांग्रेस का संदेश पहुँचाया है, जनता को सच्चाई समझाइए। ये चुनाव सच्चाई और झूठ का है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आखिरी दिनों में आप सब भूलकर, अपना घर भूलकर, अपना परिवार भूलकर, अपना कामकाज भूलकर, ये जो आपकी मेहनत इतने दिनों की थी, इस ये मेहनत सफल हो, मतदाता तक भी ये बात पहुंचाएं कि किस तरह सौदा हुआ, किस तरह ये बोली से सरकार बनी। और ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, अपने क्षेत्र के भविष्य का है। क्या हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार टिकी रहे जो सरकार ने नोटों से शासन प्राप्त किया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगले दिनों में पूरी निष्ठा के साथ आखिरी वक्त तक, मतदान तक आप लगे रहेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भगवा दल पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनावों के परिणामों से डर कर भाजपा उनके विधायकों के साथ सौदेबाजी कर रही है। अशोकनगर में कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव के आने वाले परिणामों की चिंता भाजपा को हो रही है और वह इनसे डर रही है। उन्होंने कहा कि इतने निराश हैं, ये भी जानते हैं कि जमीन क्या है, इसलिए तो ये सब कर रहे हैं। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर कहा कि ये पूरे दलित समाज और महिलाओं का अपमान है। राज्यसभा चुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी थे, एक पर बड़े भाई दिग्विजय सिंह, दूसरे पर दलित समाज के फूल सिंह बरैया। आज इनकी ये जरूरत हो गई कि मुझे और सिलावट को गद्दार कह रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सबसे बड़े गद्दार हैं। मंगलवार दोपहर दिग्विजय सिंह अरेरा हिल्स स्थित तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पोस्टल वोट रद्द करने की मांग को लेकर शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आयोग के खिलाफ नारेबाजी की थी। बिना अनुमति एकत्रित होकर नारेबाजी को प्रशासन ने शासकीय आदेश का उल्लंघन मानते हुए पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू समेत 150 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188 के तहत एमपी नगर थाने में मामला दर्ज किया है। हालांकि ये भी साफ नहीं है कि दिग्विजय सिंह को आरोपी बनाया जाएगा या नहीं। पुलिस का कहना है कि दिग्विजय सिंह आयुक्त में समय लेकर पहुंचे थे, ऐसे में प्रदर्शन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ देखने के बाद और जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की जाए या नहीं। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले 7 महीने में विधायकों का कांग्रेस से मुंहभंग होने का सिलसिला जारी है। उपचुनाव के बीच कांग्रेस के एक और विधायक के बीजेपी में जाने के बाद पिछले 7 महीने में कांग्रेस का कुनबा कम हुआ है। अब तक 26 विधायक हाथ का साथ छोड़ चुके हैं। भाजपा ने कुछ और विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। आगामी कुछ दिनों में उनके नाम भी सामने आ सकते हैं, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। चुनाव में मतदाताओं के पैर छूकर उन्हें मत देने के लिए मनाना ना केवल मूल मंत्र है बल्कि आसान तरीका भी है, लेकिन जनसंपर्क के दौरान बार बार मतदाताओं के पैर छूना प्रत्याशियों के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि रोजाना 300 से 500 मतदाताओं के पैर छूने पड़ रहे हैं। लगातार झुकने की वजह से प्रत्याशियों को कमर और पीठ में दर्द की शिकायत आने लगी है। दवा और बाम आदि प्रचार में भी साथ रखनी पड़ रही है। ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा तो बैक पेन के शिकार हो गए हैं, यही हालत उनके प्रतिद्वंदी प्रद्युम्न सिंह तोमर के भी है। साथ ही चंबल की अंबाह सीट पर भी प्रत्याशी मतदाताओं के पैर छू छू कर परेशान है। मजबूरी ये है कि यदि वे पैर नहीं छूते तो मतदाता समझते हैं कि प्रत्याशी को अभी घमंड है तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा। प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में कुल 355 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या सिर्फ 22 है।
जबकि पुरुष 333 हैं। भाजपा ने डबरा से मरती देवी, भांडे से रक्षा सरोनिया और नेपानगर से सुमित्रा काजडेकर को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने अशोकनगर से आशा दोहरे, सुर्खी से पारुल साहू और बड़ा मलहरा से रामसिया भारती को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री मृति देवी पर बयान को लेकर सियासत थमी नहीं है। कमलनाथ ने चुनावी सभा में मृति देवी को आइटम कह दिया था। इस पर अब बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है। सिंधिया ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधते हुए कहा और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मृति देवी पर बयान के बाद कमलनाथ की प्रतिक्रिया समझ से परे है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के 28 सीटों पर उपचुनाव के सियासी रण में हाट पिपलिया सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला है। इस बार हाट पिपलिया सीट पर सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं। हाट पिपलिया सीट पर भाजपा से मनोज चौधरी और कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल आमने सामने हैं, तो वहीं साल 2008 में इन दोनों प्रत्याशियों के पिता भी सियासी मैदान में ताल ठोक चुके हैं। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें इंदौर का सांवेर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। सीट पर कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू तो भाजपा ने तुलसीराम सिलावट को मैदान में उतारा है। यही वजह है कि यह सीट उपचुनाव में हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं ढाबली गांव के कांग्रेस कार्यकर्ता बबलू यादव पर धारा 307 के तहत की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डीआईजी ऑफिस पहुंच गए और गेट पर ही धरने पर बैठ गए। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की जुबानी जंग आरोप प्रत्यारोप के बाद अब देख लेने और उठवा लेने तक की धमकी तक आ पहुंची है। अभी तक एक दूसरे पर अनलगर आरोप लगा रहे नेतागण अब खुलेआम धमका रहे हैं। प्रदेश के खंडवा जिले के मंधाता विधानसभा क्षेत्र में ऐसा नजारा देखने को मिला। मंगलवार को किलौद में आयोजित सीएम शिवराज सिंह चौहान की आमसभा में मंच से भाजपा नेता मंगल यादव ने दिए गए भाषण से सनसनी मच गई। सीएम के मंच पर पहुंचने से पहले ही युवा नेता यादव ने अपने भाषण में मंधाता क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह, उनके पिता पूर्व विधायक राज नारायण सिंह और परिजनों को पुरनी और खंडवा में देख लेने और उठवा लेने की खुली धमकी दे डाली। देश में मुस्लिम त्योहारों के मुख्य आयोजक ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के आह्वान पर इस बार ईद मिलादुन नबी का पर्व खास और अनोखे अंदाज में मनाएंगे। सभी घरों दुकानों पर चिराग रोशनी होगी और हरे परचम यानी झंडे फहराए जाएंगे। कोविड-19 को देखते हुए इस साल रिवायती जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस बार कोरोना और कोविड की वजह से देखने में यह आ रहा है कि बहुत सारी जगह जिला प्रशासन अनुमतियां नहीं दे रहा। मेरी बात हुई ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदर हमारे खुर्रम भाई से। हम लोगों ने कहा कि जुलूस निकलना चाहिए जब दीगर लोगों को इजाज़त दी गई है। सियासी तंजीमें चुनाव में बराबर जलसे और जुलूस कर रही हैं, तो ऐसे जलसे जुलूस जब सब जगह हो सकते हैं तो कोविड-19 का पालन करते हुए मिलादुन्नबी का जुलूस होना चाहिए। लेकिन अभी दो दिन से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जो हालात तब्दील हुए हैं, कुछ जगहों पर बड़ा सेंसिटिव माहौल हुआ है, आपस में पब्लिक और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के तनाज़े बहुत ज़्यादा खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा खिंचाव दिख रहा है, उसके तहत हमारी आज खुर्रम भाई से अभी बात हुई। हम लोगों ने तय करा कि ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी जो फैसला लेगी, मध्य प्रदेश के तमाम लोग उस फैसले को मानेंगे। 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है, लेकिन इस संकल्प पत्र के मुख्य पृष्ठ से सिंधिया की फोटो गायब है, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कितनी अहमियत है और उसने कितना महत्व दिया जाता है, उसका अंदाजा डिजिटल रथ, स्टार प्रचारकों की सूची और संकल्प में पत्र में लगे उनके फोटो से पता चल रहा है। बड़े आश्चर्यजनक है कि मुख्य पृष्ठ से भाजपा जिसे अपना मुख्य चेहरा बताती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा गायब है। उन्हें अतिरिक्त पेज में स्थान दिया गया है, वो भी कैलाश विजयवर्गीय के बाद 9 नंबरी। पहले 10 नंबरी बनाया गया था स्टार प्रचारक में, अब संकल्प पत्र में 9 नंबरी बनाया गया। जिसे मुख्य चेहरा बताया गया था वही मुख्य चेहरा मुख्य पृष्ठ से गायब। अतिरिक्त पेजों में स्थान देकर बताया गया कि पार्टी में कितना महत्व है, कितना सम्मान है। जिसे चॉकलेटी चेहरा बता रहे थे उसे हर जगह से गायब किया जा रहा है। पहले डिजिटल रथ से गायब किया, फिर स्टार प्रचारकों की सूची में 10 नंबर पे शामिल किया, फिर एक भी समर्थकों को स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल नहीं किया, और अब संकल्प पत्र में भी इतनी बेइज्जती। छोटे नेताओं के साथ उनका फोटो शामिल करे भाजपा ने बता दिया है कि उनका पार्टी में कितना वजन है, कितना सम्मान है। उपचुनाव 2020 में लोग अजीबोगरीब शिकायतें कर रहे हैं। इन शिकायतों के कारण अधिकारियों की भी सिरदर्दी बढ़ गई है। हाल ही में आई एक शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में कुछ गली मोहल्लों में भाजपा का प्रचार नहीं हो रहा है। उसने अपनी शिकायत में भाजपा का प्रचार कराने की मांग की है। कुछ शिकायतों में घरेलू हिंसा से लेकर बिजली पानी की मांग भी शामिल है। वहीं अधिकारी और कर्मचारियों के नाम पर तो कभी राजनीतिक दलों के फायदा देने की शिकायतें की भी कतार लगी है।
नौबत यह है कि प्रत्याशियों के नाम से सादा कागज और लेटर हेड तक पर शिकायतें की जा रही है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।